लास्ट टाइम क्या चल रहा था हमारा लास्ट क्लास में? रिलेटिव लो आनी चाहिए। RLVP के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, रिलेटिव रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। उसके कुछ आई थिंक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे, ठीक यस सर। है, काफी किए थे। एक आध न्यूमेरिकल इसका और करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल उसका और फिर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड? यस यस सर। सर। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज डिटरमिन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3% यूरिया, 1.9% MgCl2, अल्फा है 80%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा इसका 80%। से बोर्ड लैग कर रहा था थोड़ा, और आपकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी देन जस्ट ए सेकेंड, 6%, एक सेकेंड। जस्ट एक सेकंड रुकना, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम देने को। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके यस सर। ओके, क्लियर आ रही है ना? लैग तो नहीं कर रही आवाज? यस क्लियर नो आ सर, रही है। भी नहीं कर। ठीक है ठीक, ओके ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन सो 3% यूरिया, 1.9% MgCl2 एंड 6% MgSO4 बाय मास। बाय मास मतलब डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, सबके सब डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, ठीक है। एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन, ठीक है, निकालो। हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना है एक्वा सॉल्यूशन का, जिसमें 3% यूरिया है, 1.9% MgCl2 है, जिसका अल्फा 80% है, और 6% MgSO4 है, ठीक है। और जिसका अल्फा गिवन नहीं है वो ऑब्वियसली तुम 100% लोगे, ठीक है। और बाय मास है मतलब सब डब्ल्यू पे डब्ल्यू है, ठीक है, एंड एट 373 केल्विन में, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। करो
करो अटेम्प्ट एक बार इस क्वेश्चन को, देखते हैं फिर। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बता दो। नहीं बड़ी हुआ किसी का? हो पा रहा है या बताऊं? ठीक हो रहा है। है, करो करो। जल्दी यार, थोड़ा फास्ट। इतना टाइम ऐसे क्वेश्चंस को इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे चलेगा? 0.980 0.980। आंसर तो एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता वैसे इसका, बट बता देता हूँ होगा कैसे क्वेश्चन। 0.980 पता नहीं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलो एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं सब मिलके। ठीक है, देखो
यहाँ पे तुम ये ज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, ठीक है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 3 ग्राम यूरिया है, 1.9 ग्राम उसमें MgCl2 है, एंड 6 ग्राम उसमें MgSO4 है, और बचा कितना, इन सबको अगर माइनस करूं तो 6 और 3 9, 9 और 10 मतलब सर एट्टी अराउंड नाइन एटी पॉइंट नाइन वन सर 89.1 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर। 89.1 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना था, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन। अब उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता है, मान लो ये वाला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस अपॉन अपॉन पी एस वाला इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मेरे को पी नॉट चाहिए, उसका हिंट यहाँ पे दे रखा था एट 373 केल्विन। तो मतलब बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है तुम्हारा वेपर पे, जो प्योर मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है एट बॉइलिंग पॉइंट वो कितना हो जाता है, 180। तो यहाँ पे बेसिकली जो इसके हिसाब से जो पी नॉट आ जाएगा दैट इज वाटर का वेपर प्रेशर वो 180, और इसका निकालना था हमें, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख लो 1 अपॉन PS-1, इसको दोनों के साथ डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे इस तरह से, पी एस को इधर भी, तो 180 इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। अब पी एस निकालना है यहाँ से बेसिकली। अब देखो मैं कैपिटल एन तो तुम आसानी से निकाल ही सकते हो, कैपिटल एन सिंपली क्या आ जाएगा, 89.1 अपॉन 80, यहाँ से तुम कैपिटल एन निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए। सर अब यहाँ पे हमें चाहिए स्मॉल एन की वैल्यू। अब देखो स्मॉल एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली देखो हमारे पास 3 ग्राम यूरिया। अब तुम्हें पता है यूरिया जो है उसके लिए तो आई की वैल्यू 1 होगी, पता है ना सबको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1 होगी ना, ये डिसोसिएट करता है ना एसोसिएट करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए तुम्हें मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मोल्स इसका मोलर मास होता है 60, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो इसके मोल्स 3/60 आ जाएंगे, प्लस ये तो आ गए यूरिया के मोल्स प्लस MgCl2 के मोल्स। अब MgCl2 के मोल्स निकालने से पहले पहले आय निकालना पड़ेगा तुम्हें MgCl2 का, वेंट ऑफ फैक्टर। उसके लिए 1 + n-1 × α लगाओगे, 1 + इसका एन की वैल्यू 3 होगी इसके लिए, तो दैट मीन्स ये 2 बन जाएगा, और × 0.8 तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1.6 मतलब ये 2.6 आ जाएगा आई की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली अब 2.6 × इसके मोल्स अगर तुम देखोगे वो कितने आएंगे, 1.9 अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा, 24 + 71 95। ये इसके इसके मोल्स इनटू वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये आ गया एन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर 1 ही था, ठीक है, प्लस यहाँ पे अब क्या बचा हमारे पास, 1.9 सॉरी 1.9 ये होगा, सिक्स MgSO4 ग्राम MgSO4। अब इसके लिए भी देखो, अब तुम्हें अल्फा की वैल्यू नहीं दी, तो जब भी अल्फा की वैल्यू नहीं दी तो हमें 100% कंसिडर करनी है, और जब भी अल्फा 100% हो तो जो एन की वैल्यू वही आई की वैल्यू, तो मतलब MgSO4 के लिए आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका 6 अपॉन इसका MgSO4 24 कितना हो जाएगा मास, 120, 120 ठीक है। बस इसको यहां से अब करो कैलकुलेट, 6 × 2 = 12, 2 × 10 = मतलब ये आ गया 1/10, 1/10 जो जो कैंसिल होता है, 3 × 2 = 60, 1/20, और ये कहीं पे कैंसिल आउट होता है, 95 = 95 होता है ना, सर और बस पॉइंट एक आएगा नीचे, फिफ्टी बस ठीक है। बस इसको अप्रोक्सीमेटली 2 पे काट लो, अगर इसको 2.5 मान लो और ये 2 पे कट जाएगा, है ना, तो वैसे करना हो तो अप्रोक्सीमेटली, बाकी आगे कैलकुलेशन है वो कर सकते हो तुम आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। तो बेसिकली यहाँ पे जो एन की वैल्यू थी उसमें सब सल्यूट आने होते हैं, अगर एक से ज्यादा सल्यूट है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, और सबको ऐड करने के लिए सबका वेंट ऑफ फैक्टर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि सबके एन ऑब्जर्व्ड आएंगे, एन ऑब्जर्व्ड फर्स्ट सल्यूट के प्लस एन ऑब्जर्व्ड सेकंड सल्यूट के प्लस एन ऑब्जर्व थर्ड सल्यूट के, और नीचे ऑब्वियसली सॉल्वेंट के जो आ जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यस इसमें? सर, नो सर। ओके ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसको लिखना तो नहीं है किसी ने? नो सर। ठीक है, जिसका नहीं हुआ क्वेश्चन वो स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? पूरी तरह से सॉल्व कर लेना। अब पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की काफी बातचीत होगी, अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो अब बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। अब देखो ये क्या है, ये भी बेसिकली वही है, जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट अभी पढ़ा उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोल्यूशन का वेपर यस प्रेशर सर, क्या हो कम जाएगा, कम हो जाएगा हो देन दैट ऑफ जाएगा। प्योर सॉल्वेंट। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज बढ़ बढ़ जाना जाना चाहिए। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने, बस वही तो है चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वही तो है कि जब हम कोई यस नॉन सर, वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सोल्यूशन में और वाटर में, तो जो सोल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सॉल्वेंट या नॉर्मल वाटर, ठीक है? और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे मान लो नॉर्मल तुम पानी को उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, बट अगर तुम उसमें बहुत सारा नमक मिला दो तो वो 101 या 102 या यस 103 सर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट वो बॉयल होता है, ठीक है? ये कहानी है, ठीक यस है? चलो अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू, सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी लेसर देन, वुड बी लेसर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन दैट ऑफ, विल बी हायर देन दैट ऑफ, विल बी हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है? इस तरह से। तो अब बेसिकली ये डेल्टा टीबी क्या है, ये डेल्टा टीबी है कि कितना इंक्रीज हुआ। तो इसको कैसे निकालेंगे, टीबी ऑफ सॉल्यूशन, टीबी ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीबी ऑफ सॉल्यूशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना प्योर सॉल्वेंट, जितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उसमें से माइनस कर दें प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें वो टेम्परेचर मिल जाएगा जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली अगर 103 पे पहुंच गया या 104 पे पहुंच गया, तो अगर 100 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस एलिवेट हुआ है या 3 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन हुई है। तो वही बेसिकली हमारी क्या है, डेल्टा टीबी की वैल्यू, ठीक है? यस और सर, इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी चाहे हम डिग्री सेल्सियस पे निकालें चाहे हम केल्विन में निकालें, तो सेम इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है?
इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में भी देख लेते हैं, ग्राफ में किस तरह से इसको चीज को देखना है वो देख लेते हैं। तो ये ग्राफ है बेसिकली प्रेशर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर ही मान लो एक तरीके से। तो जैसे जैसे क्या होता है ना, नॉर्मल अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस तरह से जो ग्राफ आता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ये बात तो तुम्हें पता ही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। बट अब ये क्या सीन है, ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। फिर अगर मैंने सोल्यूशन ऐड किया तो वो ऑब्वियसली वो ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। अगर मैंने कोई इसमें सल्यूट मिक्स कर दिया, सल्यूशन बना दिया इसको सल्यूट मिक्स करके, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होगा ना, तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ग्राफ इस तरह से हो जाता है। और अगर मान लो मैं और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो ग्राफ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, और कम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है। तो इसको मान लो सोल्यूशन वन, इसको मान लो सोल्यूशन टू, सोल्यूशन टू हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन देन द सोल्यूशन वन, इस तरह से, ठीक है। एंड देन अब इसमें क्या देखो, इसमें ना मान लो ये वाला जो प्रेशर है, ये प्रेशर, इसको मान लो 1 atm, तो 1 atm पे बेसिकली क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। अगर जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके देखो ध्यान से एक बार देखो, इसको मैच करने दो मेरे को यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स की वैल्यू है, ये हमें क्या बता रही है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रही है ना, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पर जब यहाँ पे, अब ये मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे पहुंचा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर आया किसके लिए, सोल्यूशन फर्स्ट के लिए, ये टेम्परेचर हेलो, हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। एवरीवन यस सर, आवाज आ रही, ओके यस ओके। सर आप आवाज एक्चुअली कट रही है। यहाँ लाइट का थोड़ा सा कट रही है, यस सर। क्या दिक्कत आ रही है, एक्चुअली लाइट बार बार जा रही है, मेरे को शिफ्ट करना पड़ा है नेटवर्क, वो वाईफाई कनेक्ट नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम। यस सर, यस सर, बोर्ड दिख रहा है, यस यस सर, सर, यस यस सर, सर, वो ऊपर वाला पैराग्राफ लिख लिया था सबने, ग्राफ में फिर यस से बना देता यस हूँ, यस ग्राफ, सर, यस सर। और ये तो लिख लिया था ना, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी सॉल्यूशन यस सर लिख लिया था। माइनस टी बी सॉ, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट हम बेसिकली ग्राफ के बारे में देख रहे थे कि इस तरह से ग्राफ होते हैं हमारे पास, वन देन टू एंड देन थ्री। और यहाँ पे ये ग्राफ है बेसिकली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ,
सर फिर से वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। यस सर ब्रेक हो रही। क्या दिक्कत है? एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड। अब आ रही है? यस yes, ब्रेक हो रही है। अब आ रही है वैसे? यस सर। हां सर अब सही। अभी भी ब्रेक हो रही है? नो सर। नहीं यस सर। ठीक है, अभी सही है। देखो अगर इस टेम्परेचर को 180 में कंसीडर करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मैंने ये बात बता दी कि ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। आई थिंक ये बात तो समझ गए होंगे, ये बेसिकली क्या आ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। yes, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा टीबी पॉइंट का, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा टीबी सॉल्यूशन, फिर से बता दीजिए। हाँ एक मिनट एक सेकंड, फिर से बताता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, ये बेसिकली ग्राफ्स हैं। ये पहला ग्राफ बेसिकली प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, सेकंड ग्राफ जो है वो सॉल्यूशन फर्स्ट का है जिसमें, और सेकंड थर्ड ग्राफ है सॉल्यूशन थर्ड का जिसकी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन सेकंड सॉरी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जब हमारा जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और जब वेपर प्रेशर 180 हो गया तो बेसिकली उस टाइम पे बॉइलिंग हो गई। तो ये वाला पॉइंट, ये टेम्परेचर क्या है, दिस इज टीबी ऑफ सॉल्वेंट, कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है, टीबी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर सेकंड। यस सर। इस तरह से, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको ए, इसको इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, फिर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को ले लेते हैं ई, ठीक है। अब यहां पे देखो, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबी जो बन रही है, ये भी ट्रायंगल, ये सिमिलर आएगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एडीई सॉरी एसीई, एसी ये वाली ट्रायंगल एबी एसीई ट्रायंगल के क्या आएगी, सिमिलर आएगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तुम्हें पता है क्या होता है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, दैट मींस यस सर। मैं ए बी अपॉन ए सी बोल सकता हूँ, ठीक है, यस सर। ए बी अपॉन ए सी बोल सकता हूँ इक्वल्स टू, मैं ए डी अपॉन ए ई बोल सकता हूँ। यस सर। आ रही है ना? यस सर। यस सर। हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है भाई? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके आवाज आ रही है, मुझे तुम्हारी नहीं आ रही आवाज यार। ठीक है अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, ठीक है। सो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई हो जाएगा। अब देखो
एबी क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं एबी क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ एबी डेल्टा टीबी वन है। डेल्टा टीबी मतलब कि जब मैं सॉल्यूशन फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, अगर सॉल्यूशन फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, तो प्योर सॉल्वेंट से बेसिकली उसकी कितनी एलिवेशन शो हो रही है, ठीक है, तो दैट इज डेल्टा टीबी वन। और अगर एसी की बात कर रहा हूँ तो एसी क्या है डेल्टा टू, एसी क्या है डेल्टा टीबी टू, मतलब अगर मैं सोल्यूशन सेकेंड कंसिडर कर रहा हूँ तो प्योर सॉल्वेंट से इसका बेसिकली कितनी एलिवेशन हो रही है, that is delta TB2 in yes, case sir. of solution second that is the elevation, and if we are taking solution number first this is the elevation, okay, so AD upon AE kya hai, dekho AD kya hai, AD is main bol sakta hu delta P1, ki delta P1 kya hai basically lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure, matlab dekho yahan pe vapor pressure agar tum dekhoge इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर तो इतना है प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन वन कंसीडर कर रहा हूं ना, सॉल्यूशन वन और प्योर सॉल्वेंट में जो डिफरेंस है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकता हूं, जो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से प्योर और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका इसको बोल सकता हूं नीचे बोल सकता हूं डेल्टा पी2। तो वॉइस कट रही है आपके बीच बीच में, क्या बोल सकता हूं लाइट नहीं है तो मैं मोबाइल का नेट यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ज्यादा लैग कर रही है ये सर, कभी आप कभी कभार ज्यादा लैग करती है, हो जाती है। अच्छा कभी सही हो जाती है, बीच में लैग करने लग जाती है सर, इस समय ये पता नहीं क्या सीन है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो गैप है दैट इज लोअरिंग फर्स्ट के हिसाब से, और ये जो है दैट इज एई, ये बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन को कंसीडर देख रहे हो ना, अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन को कंसीडर करता हूं तो इतना वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इस अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, कि जितना वेपर प्रेशर लोअर होगा उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट अप होगा, ठीक है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अप होने का मतलब कि उतना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ेगी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उस वजह से तो डेल्टा टीबी बढ़ता है, और यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा टीबी की वैल्यू डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो अब ये जो डेल्टा पी था दैट इज लोरेन वेपर प्रेशर, वो हम बेसिकली उसको मोलैलिटी हमने देखा ही था ना, जो पीछे हमने रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर किया है उसमें वो मोलैलिटी इक्वल आ रहा था, हम इसको डेल्टा पी को मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल ही तो होता है डेल्टा पी, तो इसको ऑब्वियसली मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, मतलब ये डेल्टा पी के जगह पे मैं मोलैलिटी भी रख सकता हूँ, बिकॉज डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, तो इन टर्न मैं ये बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारा डेल्टा टी बी है मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये वैसे ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस प्रूफ किया हुआ है इस तरीके से, इसकी कोई प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है इस चीज की, जो भी मैं फॉर्मूला प्रूफ करने वाला हूँ, बस ये थोड़ा सा एक तरीका है इसको समझने का, ठीक है, उस तरह से समझ लो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं कि इसकी डेरिवेशन वगैरह तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है। तो इसको इसके प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल, एक हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज केबी, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें एन ऑब्जर्व्ड आएंगे, तो इसको अगर मोलैलिटी के फॉर्मूले में थोड़ा ओपन अप करके लिखूं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना, और नीचे क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के,
ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 1000 केजी डाउन करने की जरूरत नहीं है सर, आप तो बहुत कर रहे हो। अच्छा डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद वहां से सही चल जाए। सर अब सही आ रही है। अभी सही आ रही है, बीच में फिर से होने लग जाएगा। चलो देखते हैं, पढ़ाते हैं सुई खराब हो जाती है। पता नहीं कैसी फ्लक्चुएशन हो रही है, क्या समझ में देखता हूँ। चलो चलो देखो एक बार, तो n वहां, यहाँ बस ध्यान रखना है कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में n ऑब्जर्व आएगा, बस इतनी चीज का ध्यान रखना है, बाकी यही फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, n ऑब्जर्व्ड वन w सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी डेल्टा टीबी का। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। के बी हमें गिवन होगा हर सॉल्वेंट की, के बी हमें गिवन होगा, के बी की वैल्यू जो होगी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा ये के बी जो हेलो सर, सर सर आप कुछ बोल रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 अब बोलो आगे आगे। यस सर अब आगे। ओके हाँ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो? सर आप केबी के बारे में बता रहे थे। हाँ केबी के बारे में अभी बताता हूँ, तब यहाँ तक तो वैसे क्लियर है ना सब। अब केबी के बारे में बताता हूँ, इतना लिख लिया है सबने, इतना लिख लिया ना। तो केबी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट ही है, तो इसके नाम होते हैं अलग अलग। इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोला जाता है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर एक नाम और इसका होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक और होता है नाम मोलल इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कोई और मे बी मेरे को याद नहीं है, किसी कोई ग्रीक वर्ड होता है या स्पेनिश होता है, पता नहीं कोई और वर्ड होता है जिसका नाम भी बॉइलिंग पॉइंट ही होता है, तो ये भी नाम होता है। मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलल इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट, और 99% केसेस में ये तुम्हें गिवन ही होता है। 99% केसेस में ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है, जस्ट डेल्टा टी बी की फाइंड करनी होती है। यूनिट अगर देखोगे के के तो क्या आ जाएंगे, देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या थी, के बी इंटू एम, तो के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टीबी अपॉन एम। फिर से ब्रेक हो रही है वॉइस, यस सर हो रही है सर ब्रेक अभी, अभी हो रही है फिर से हो रही है, फिर से ब्रेक हो रही है सर, एक दो लाइन सही आती है सर फिर ब्रेक होने लग जाती है सर। डेल्टा टीवी जो आपने बताया उसके बाद कुछ आवाज ही नहीं आई सर। रुको फिर यार, मैं ना फोन कर देखता हूँ, चल वहां से सही चल जाए। अभी तो मैं फोन से हॉटस्पॉट, क्योंकि लाइट नहीं है सुबह से, एक्चुअली लाइट नहीं है, वो बारिश वगैरह तूफान वगैरह काफी आया था, तो वो फोन कर रहा हूँ, तो एक बार फोन से क्लास कनेक्ट करके देखता हूँ, शायद वहां से सही चल जाए। तो एक बार मैं यहाँ से कट एंड करता हूँ क्लास को, तो फिर से वही मीटिंग में पासवर्ड लगे कनेक्ट करना फिर से, ठीक है? यस सर, यस सर, एक बार वहां से ट्राई करके देख लो।